everyone, this is Sonia Sohal, your today's host. And do you have any guesses where I am today? No guesses? Okay, let me just show you. Sushma Downtown. I know that you have already heard a lot of things about Sushma Downtown, but let's just see the entire township in my way today. Sushma Downtown, 60 acre ka total land patch hai, jisme hame char projects mil jate hai, Sushma Beleza, Sushma Imperia, Sushma Metropole and Valencia. Isme se do commercial hai aur do residential projects hai. Aur ab hum baat karte hai location ki. Ye located hai PR7 Airport Road ke phase 3 mein. और वो जो फेस 3 रोड है, दिस इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू शिमला कालका हाईवे, यानी कि आपकी जो कनेक्टिविटी है बहुत ही बेहतरीन आपको यहाँ से मिल रही है. डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हैं नेबरिंग स्टेट्स को और बहुत ही एक्सेसिबल हो जाती है नियर बाय जितनी भी लोकेशंस हैं. और ये प्रीमियम लोकेशन तो है ही, और ऊपर से सुषमा का प्रोजेक्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलने वाली है. द होल टाउनशिप इज़ ए इंटीग्रेटेड टाउनशिप एंड घमाडा अप्रूव्ड. घमाडा अप्रूव्ड है तो जितनी भी फैसिलिटीज़ है, डेवलपमेंट है एंड रिक्वायरमेंट्स है, उनको लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहेगा. एंड अगर मैं बात करूँ पार्किंग की, तो डबल बेसमेंट पार्किंग इसमें आपको दी जा रही है. सो इस साइड ये हमारी PR7 एयरपोर्ट रोड फेज 3 आ जाती है, जिसके बारे में मैंने अभी बात करी थी. सुषमा डाउनटाउन के दो कॉमर्शियल्स रहेंगे, सुषमा मेट्रोपोल जो कि इस तरफ रहेगा एंड सुषमा एम्पीरिया जो कि इस तरफ रहेगा. सो सुषमा डाउनटाउन की बात तो हो ही गई, अब हम इसमें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज देखते हैं. इसमें बेलेजा एंड वेलेंशिया दो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स रहेंगे. बेलेजा की पहले बात करें तो 12 एकड़ का टोटल लैंड पैच रहेगा, जिसमें लो राइज एंड हाई राइज दोनों तरह के अपार्टमेंट मिल जाएंगे. अगर हम बात करें वेलेंशिया की, तो सुषमा वेलेंशिया 25 एकड़ की टोटल लैंड पैच रहेगा, जिसमें सारी की सारी 3 BHK यूनिट्स रहेंगी, लो राइज अपार्टमेंट्स S+4 के साथ, यानी कि स्टिल्ट में पार्किंग रहेगी. एंट्री एग्जिट दोनों सेपरेट गेट्स रहेंगे, जो कि काफ़ी बड़े हैं, इस तरफ से आप देख सकते हैं. एंड सिक्योरिटी की बात करें तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी यहाँ पे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है. आपके जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स रहेंगे वो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास के साथ, बूम बैरियर्स के साथ अवेलेबल रहेंगे. सो लेट्स गो इनसाइड द टाउनशिप. सो अगर हम ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें, तो टोटल स्पैनिश स्ट्रक्चर रहेगा, और इंटरनल रोड्स की बात करें तो 60 फीट वाइड टावर टू टावर गैप रहेगा. इसी साथ एलिवेशन के बाहर ये स्पेस आपकी रहेगी, और एलिवेशन रहेगी आपकी S+4 के साथ. स्टिल्ट में कार पार्किंग रहेगी. सो इस वक्त हम आ चुके हैं हमारे जो सैंपल अपार्टमेंट है उसके बिल्कुल बाहर. अगर मैं फ्लोर की बात करूँ, तो एक फ्लोर पर 2 अपार्टमेंट रहेंगे और सेंटर में लिफ्ट रहेगी. एज़ पर आपके जितनी भी यूनिट्स हैं यहाँ पे, वो सारी की सारी 3 BHK रहने वाली है, 3+1. तो ये हमारी मेन एंट्रेंस है, और ये हमारी जो है वो, इसको आप सर्वेंट रूम बना सकते हैं या फिर ऑफिस बना सकते हैं, ये आपको सेपरेटली यहाँ पे दिया गया है. तो चलते हैं अंदर. तो 250 गज का टोटल इसका साइज़ रहेगा, जो ये पूरा अपार्टमेंट रहेगा. और अगर सबसे पहले इसका एंटर करते हैं, आपका ड्राॅइंग एरिया आता है. ड्राॅइंग एरिया की डायमेंशन रहेगी 13x15. जस्ट लुक एट दिस एरिया, काफ़ी स्पेशियस ये एरिया है. आप इस तरीके से अपना सोफ़ाज यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, चाहे तो एल शेप करना है या फिर इस तरीके से आपने सिटिंग प्लेस करनी है, इट्स डिपेंड अपॉन यू. इस एरिया में आप इस तरीके से अपनी LED इंस्टॉल कर सकते हैं. एंड आपको यहाँ पे बालकनी दी जा रही है, जो कि यहाँ से आपकी थर्ड बेडरूम के साथ कनेक्टेड रहेगी. तो बालकनी मैं आपको थर्ड बेडरूम से दिखाती हूँ. AC डक्टिंग आपके यहाँ पे रहेगी, एंड कुछ इस तरीके का लुक आता है आपके ड्राइंग एरिया का. आप विजुअलाइज कर सकते हैं, जब आप अपनी सारी यहाँ पे चीज़ें, अपना फर्नीचर वगैरह सारी सेटलमेंट कर लेंगे, तो इस तरीके का कुछ लुक आएगा. एंड ये आपके इस तरीके से आप पार्टीशन कर सकते हैं. इस साइड हमारा डाइनिंग एरिया आ जाता है. ड्राइंग एरिया के बिल्कुल साथ में आपका डाइनिंग एरिया रहेगा, 13x16 का अप्रॉक्सीमेटली. जस्ट लुक एट दिस डाइनिंग एरिया, दिस इज ऑसम. अगेन इट्स डिपेंड अपॉन यू, आपको 4 सीटर या फिर 6 सीटर या 8 सीटर कैसे अपना डाइनिंग टेबल इंस्टॉल करना है. और अगर इस स्पेस की बात करें, तो आप यहाँ पर अपना क्रॉकरी पैनल भी इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर मिनी बार बना सकते हैं. ये आपको स्पेस दी जाएगी यहाँ पर. और इस साइड हमारा थर्ड बेडरूम है, और ये इसके साथ वॉशरूम अटैच है. ये हमारा कॉमन रहेगा थर्ड बेडरूम के साथ एंड लिविंग एरिया के साथ. लुक एट दिस ब्यूटिफुल पेंटिंग. आप यहाँ पे कोई वॉल पेंटिंग हैंग कर सकते हैं, या फिर अपना फैमिली फोटोग्राफ कोलाज बनाकर एनीथिंग, और इस तरीके से इनको डिज़ाइन कर सकते हैं. और यहाँ पे ब्यूटीफुल से प्लांट्स इंस्टॉल कर सकते हैं, आपके जो है वो घर में पॉजिटिविटी भी बनी रहेगी. और ये आ जाती है हमारी फुली मॉड्यूलर किचन.
किचन के साइज की बात करें तो 7x15 किचन का साइज रहेगा और ये इस तरीके से कुछ इसका कॉन्सेप्ट रहेगा। आपके जो डबल मार्बल स्लैब रहेगी, अपर लोअर कैबिनेट्स आ जाते हैं, आपके चिमनी होब की आपकी प्रोविजन रहेगी। एंड ये जो अपर लोअर कैबिनेट्स हैं अगर हम इनकी बात करें तो बिल्कुल हैंडल लेस आपकी किचन रहेगी। रेफ्रिजरेटर स्पेस आपको फ्रंट में दिया गया है जो कि डबल डोर रहेगा और ये सारे इक्विपमेंट्स की सारे इनकी आपको जो है वो प्रोविज़न दी जा रही है, इनकी स्पेस यहाँ पर रहेगी। अगेन इस साइड आपके कैबिनेट्स आ जाते हैं, इस साइड के जो कैबिनेट्स हैं वो हाइड्रोलिक फिटिंग्स के साथ है। एंड आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे इसके ऊपर कोई भी हैंडल नहीं है। एंड अगेन इसकी जो एजेस हैं वो बहुत ही इस तरीके से इस शेप में बनाई गई है कि अगर आप इसको बंद भी करते हैं खोलते हैं तो आपको कोई भी इंजरी के चांसेस नहीं होंगे। आरओ एंड गीजर की प्रोविज़न रहेगी और ये आपके डुअल सिंक आ जाते हैं। एंड ड्रॉर्स की अगर मैं बात करूँ तो सारी एक्सेसरीज के साथ आपके जो ड्रॉर्स है वो सॉफ्ट क्लोजर्स के साथ रहेंगे। यू जस्ट हैव टू पुश इट लाइक दिस। और इस तरफ आपकी एक विंडो रहेगी एंड ये बालकनी रहेगी। ये जो बालकनी है किचन वाली ये आपके फर्स्ट बेडरूम के साथ भी अटैच्ड है। सारी के सारी जो फ्लोर टाइलिंग है वो विट्रीफाइड फ्लोर टाइलिंग है। एंड ये आ जाता है हमारा फर्स्ट बेडरूम। हैव अ लुक अराउंड। बहुत ही ब्यूटीफुल सा फर्स्ट बेडरूम है हमारा यहाँ पे जिसका साइज रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 11x13। एंड यहाँ पे देखिए ये आपके LED की स्पेस आ गया, एसी डक्टिंग रहेगी। और अगर इसके रूम की बात करें तो इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि आपके पास इधर स्पेस है और इस साइड आपकी जो है वो वार्डरोब आ जाती है जिससे कि आपका ये स्पेस भी बच जाता है और इस साइड भी आपका स्पेस बच जाता है। एंड वार्डरोब की बात की जाए तो आई गेस इसमें भी बहुत अच्छी स्पेस यहाँ पर दी गई है आपको। अगर अपने रूम डेकोर करने का आइडिया लेना हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इंटीरियर बहुत ही कमाल का इन्होंने यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे वॉल पेंटिंग बहुत अच्छी यूज़ की हुई है और ये वो बालकनी है जिसकी मैंने बात करी थी आपकी किचन से भी अटैच है। तो ये आपकी फर्स्ट रूम की बालकनी आ जाती है जो कि आपकी किचन के साथ भी अटैच है। 4 फीट वाइड रहेगी, अच्छी हाइट के गार्ड रेल्स आपको दिए गए हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टैप भी लगा हुआ है तो आप इसको एज यूटिलिटी एरिया भी यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ आपको बताऊँ, मेन USP लोकेशन के एडवांटेज हम हमेशा देखते हैं ना, आपको लाइव एग्जांपल यहाँ से दिखाती हूँ। ये मानव मंगल स्मार्ट वर्ल्ड स्कूल है, वो बिल्कुल यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो आप देख सकते हैं कि आपको स्कूल तो यहाँ पे बिल्कुल साथ में ही मिल गया। तो इस तरफ जैसे कि आपकी वुडन वार्डरोब है मैंने आपको बताया था पहले और AC डक्टिंग इस रूम में रहेगी। एंड यहाँ पे अटैच रहेगा एक वॉशरूम। सो वॉशरूम आपको एज इट इज मिलने वाला है, ये ग्लास पार्टीशन आपकी नहीं रहेगी लेकिन इसमें सारी की सारी ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग्स रहेंगी, वॉल टाइल्स, वेंटिलेशन के लिए विंडो एंड दिस फ्लोर टाइल्स, ये सारी चीजें आपको एज इट इज मिलेंगी सारी ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग्स के साथ। तो अब चलें सेकेंड बेडरूम की तरफ। ये आपकी मॉडुलर किचन थी, किचन के साथ ही इधर आ जाता है सेकेंड बेडरूम। और इसके साइज की बात करें तो 11x15 इसका साइज रहेगा। ये आपका मास्टर बेडरूम भी बना सकते हैं आप, यहाँ पर भी हमारे पास काफी अच्छी स्पेस है। आई लाइक द आइडिया कि इन्होंने किस तरीके से अपने स्पेस को यूटिलाइज किया हुआ है क्योंकि आपको वार्डरोब अगेन इस साइड दे रखी है, यानी कि आपका इधर भी वॉकिंग स्पेस बच जाता है और इधर भी बच जाता है। AC डक्टिंग हर एक रूम में रहेगी LED प्रोविजन के साथ। एंड यहाँ से अटैच रहेगी बालकनी जो कि इस रूम की प्राइवेट बालकनी रहने वाली है। और ये आपकी जो वार्डरोब है इसकी स्पेस मैं आपको दिखा देती हूँ, काफ़ी अच्छी स्पेस आपको यहाँ पे दी गई है। एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ इस रूम के साथ जो अटैच वॉशरूम है जो कि इस तरफ रहेगा। अगेन 7x6 के साइज में आपका ये वॉशरूम रहेगा, क्वाइट इम्प्रेसिव साइज आई गेस। एंड इसमें भी आपकी ये ग्लास पार्टीशन इंक्लूडेड नहीं रहेगी, इसके अलावा ये सारी चीज़ें आपको एज इट इज दी जा रही है ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग्स के साथ, आपकी वॉल टाइल्स जो कि काफ़ी ग्लोसी लुक दे रही है फुल लेंथ रहने वाली है एंड आपकी फ्लोर टाइल्स जो कि एंटीस्किड रहेगी। एंड अब हम बढ़ते हैं रूम नंबर 3 की तरफ, लेकिन उससे पहले इस इन बिटवीन इस रूम के और आपके किचन के बीच में आपको ये स्पेस भी दिया जा रहा है। और बिल्कुल इस तरफ हमारा जो डाइनिंग एरिया और ड्राइंग के बिल्कुल इस साइड एडजॉइनिंग हमारा जो है वो थर्ड बेडरूम आ जाता है। और लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ इस साइड हमारा कॉमन वॉशरूम रहेगा। ये कॉमन वॉशरूम भी आपको एज इट इज़ मिलने वाला है, एंटीस्किड फ्लोर टाइल्स एंड सारी ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग्स के साथ।
एंड ये अटैच है हमारे थर्ड बेडरूम के साथ भी। ये हमारा थर्ड बेडरूम आ जाता है, इसमें भी आपकी LED प्रोविजन एंड AC डक्टिंग एज इट इज रहेगी। अगर इसके रूम साइज की बात करें तो 11x15 अगेन इसका भी रूम साइज रहने वाला है। आपने एक चीज नोटिस करी, आपको तीनों रूम जो है वो बहुत ही अच्छे और इम्प्रेसिव साइज के साथ ये लोग ऑफर कर रहे हैं। वार्डरोब्स का अगेन आई लाइक द आइडिया यार, कितनी अच्छी तरीके से इन्होंने यहाँ पे अपने स्पेस को यूटिलाइज किया है। तीनों रूम्स में आपको जो वार्डरोब है वो बिल्कुल सेपरेटली इस तरीके से दी गई है कि आपका जो साइज है वो बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज हो जाए और आपको एक्स्ट्रा स्पेस भी मिल जाए। मूवमेंट के लिए, सर्कुलेशन के लिए बहुत बढ़िया स्पेस है। किंग साइज बेड आप इजिली यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं एंड वार्डरोब देखें तो अगेन यहाँ पे भी बहुत अच्छी स्पेस रहेगी। आंधी आ जाती है बालकनी, यही बालकनी आपकी अटैच है ड्राइंग एरिया के साथ। हैव अ लुक। तो ये आपकी बालकनी आ जाती है जो कि आपके ड्राइंग एरिया एंड थर्ड बेडरूम के साथ अटैच है। आपने नोटिस किया आपका जो घर है, आपका फ्लैट है, वो बोथ साइड ओपन रहने वाला है। फ्रंट में भी बालकनी है एंड बैक साइड में भी बालकनी है, यानी कि लाइट वेंटिलेशन प्रॉपर आपके घर में बनी रहेगी इस साइड से भी और उस साइड से भी। इनकी अपनी पेट्रोलिंग वैन्स, फायर टेंडर ट्रक्स एंड एम्बुलेंस सर्विस एंड शटल सर्विसेज रहेंगी। NAC के साथ अगर आपकी जो डेली नीड्स की चीज़ें हैं उनकी बात करें तो आपके बिल्कुल साथ में ही रेजिडेंस अगर आप यहाँ पे लेते तो बिल्कुल साथ में ही कॉमर्शियल भी सुषमा का अपना ही रहेगा, यानी कि आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे कंप्लीट हो जाएंगी। इवन अगर आप अपना ऑफिस स्पेस भी चाहते हैं तो आपके घर के बिल्कुल साथ ही आपका अपना ऑफिस भी हो सकता है। सो आई होप हमारा आज का ये ओवरव्यू सैम्पल अपार्टमेंट का और पूरी टाउनशिप का रिव्यू आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में हमें अपने रिव्यू ज़रूर दीजिएगा और ये भी हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन कौन से डिटेल्स चाहिए प्रॉपर्टीज रिलेटेड। ट्राई सिटी में कोई भी अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो वो हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा। और जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप हमें स्क्रीन पे चले नंबर्स पे और हमारी टीम के साथ यहाँ पे पर्सनली विजिट कर सकते हैं। और आप देखते रहिए बेस्ट प्राइस रियल्टी में। आपको मिलूंगी नई वीडियो में एक नया प्रोजेक्ट लेकर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।